राजस्थान विश्वविद्यालय के खेल मैदान में आज से वंडर सीमेंट जयपुर स्पोर्ट्स लीग की शुरुआत हुई। इस स्पोर्ट्स लीग में 150 स्कूलों के करीब 15,000 बच्चे भाग ले रहे हैं। इस स्पोर्ट्स लीग की शुरुआत रंगारंग तरीके से हुई। प्रदेश के विभिन्न स्थानों से आए बच्चों ने फ्लैग मार्च के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की। जयपुर में इस तरह का स्पोर्ट्स लीग पहली बार आयोजित किया जा रहा है। 12 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में विभिन्न तरह के खेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन सहित 20 खेल शामिल हैं। लेकिन जब हमारे एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल की जब तालिका निकलती है एक तरीके से, तो हमारा इतनी बड़ी हम ये चाहते हैं कि ये एक प्लेटफॉर्म बनाए सबके लिए और यहाँ से बच्चे अपना जो स्किल्स है खेलने का वो डेवलप करें और फिर इन फ्यूचर क्या मालूम ये इन स्किल्स के चक्कर में ये लोग ओलंपिक खेले या एशियन गेम्स खेले इंडिया के लिए। तो हमारा मेन मोटिव है कि यहाँ से बच्चे कुछ खेल के मतलब कुछ अच्छा अपना परफॉर्मेंस देख के इंडिया लेवल पर खेले। ये जयपुर स्पोर्ट्स लीग ने जो ये स्टार्ट किया है ये बड़ा अच्छा है कि जो कि स्कूल लेवल के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि स्कूल ही हमारा बेस है, कंटिन्यूटी रहनी चाहिए और बच्चों को ये सुविधाएं मिलनी चाहिए और इससे हमारे राजस्थान को और मैं सोचता हूँ जयपुर को, इसी मुताबिक पूरे राजस्थान में ये ऐसे एक प्रोग्राम होंगे तो मैं सोचता हूँ कि आगे आने वाले समय में हमें स्पोर्ट्स बस मिलते रहे।